हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस पढ़ने से पहले अपन इसके नाम का मतलब समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए इस वर्ड को अपन तोड़ते हैं, तो देखिए पहले देखिए प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या प्राचीन। और कैरियोट को अगर अपन तोड़ते हैं तो तोड़ते हैं कैरियन में, तो कैरियन जहां भी आता है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या नाभिक। दूसरी ओर अगर अपन बात करें यूकैरियोट की, तो देखिए यू को अगर अपन तोड़ते हैं तो यू का मतलब होता है ट्रू, सॉरी देखो एक मिनट, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो देखिए जहां वेल डिफाइंड क्या पाया जाए, न्यूक्लियस, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। और जहां पर क्या पाया जाए, प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब देखिए मैं एक सिंपली डायग्राम बनाती हूं, देखिए नोट्स को एक मिनट आप रहने दीजिए, आप डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए ये डायग्राम तो है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, और ये डायग्राम किसका है, यूकैरियोटिक सेल का। तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो साइज में कैसी होती हैं, आकार में छोटी, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आकार में बड़ी। तो देखिए पहला डिफरेंस तो यही क्रिएट हो जाता है आपका कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कितने आकार की होती है, 0.1 से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर तक। दूसरी ओर अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो ये कितनी होती है, 5 माइक्रोमीटर से बड़ी। मतलब ये जो यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर वो कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स, और प्रोकैरियोटिक की क्या होगी, सिंपल। दूसरी देखिए सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। और यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है, तो प्लांट सेल में तो क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब डिफरेंस बताया था उस टाइम पे भी बताया था कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और एनिमल सेल में जो सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। दूसरा देखिए जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पहली बात तो डिफाइंड रहता, दूसरी बात अगर जो पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, जेली फॉर्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और किस फॉर्म में, जेली फॉर्म में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अगला डिफरेंस देखिए क्रोमोसोम का, तो देखिए जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें, क्रोमोसोम की अगर बात करें, तो यहां पर क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और यहां क्या पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम स्टैंड पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए सेल ऑर्गेनल, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गन नहीं पाए जाता है। अगला देखिए सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, सिंपल सेल डिवीजन पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा डिवाइड होते हैं। लास्ट पॉइंट अगर अपन कंसीडर करें, तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, वो देखिए मुख्यतः किससे संबंधित होती है, अवायवीय क्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करके नाइट्रोजन फिक्सेशन तथा पॉलीहाइड्रोब्यूटाइरेट संग्रहित खाद पदार्थ संग्रह से संबंधित होती हैं, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक सेल में अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें, तो ये किससे संबंधित होती है, ग्लाइकोलाइसिस पाथ द्वारा अवायवीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित होती हैं। तो देखिए ये तो अपन ने देख लिए मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। देखो ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे मतलब अगर आप बेसिक नहीं आपको क्लियर है तो आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये आप नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे।